गुजरात ने तीजी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भेट मिली है। जामनगर और अमदावाद वच्चे दौड़नारी आ वंदे भारत ट्रेन ने पीएम मोदी वर्चुअली उपस्थित रहने लीली झंडी बताई। आगाउ पहली वंदे भारत ट्रेन अमदावाद थी मुंबई वच्चे मिली चुकी है, जेमा वडाप्रधान ने जाते बेसीने ज अनुभव लीधो हतो। अमदावाद में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय खाते महत्वपूर्ण बैठक प्रारंभ कर शहर राजीव गांधी भवन खाते कांग्रेस पार्टी प्रभारी मुकुट वासनिक ने अध्यक्षता में प्रदेश सीनियर नेताओं साथ बैठक शुरू थी है। आ बैठक में जोन प्रभारी उपस्थित रहा। बैठक में प्रदेश प्रमुख शक्तिसिंह गोहिल, भरत सिंह, जगदीश ठाकुर, अर्जुन मोढ़वाड़िया, शैलेष परमार, सिद्धार्थ पटेल, अमित चावड़ा, मोहन सिंह राठवा सहित नेताओं उपस्थित रहा। अमदावाद में वधु एक वक्त लोपिनोज पिज्जा में बंदो मळ्यो छे, जेने लईने महानगरपालिका तंत्रे तपास हाथ धरी छे। एक युवतीए ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर कर्यो हतो अने ज्यारे पिज्जा आव्या त्यारे तेना बॉक्स पर मरेलो बंदो जोवा मळ्यो, जेने लईने कोर्पोरेशन आरोग्य विभाग में फरियाद करता पिज्जा में बंदो होवानुं सामे आव्युं। गांधीनगर खाते कृषि मंत्री राघवजी पटेल अध्यक्ष स्थाने खरीफ पाकों ने टेकाना भावे खरीदी करवानु आयोजन अंगे उच्चस्तरीय बैठक योजवामां आवी। आ बैठक में खेडूतों माटे महत्वनो निर्णय करवामां आव्यो छे, जेने लईने सरकार द्वारा करायेल आयोजन की माहिती आपता कृषि मंत्रीए जणाव्युं के भारत सरकार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत पीएसएस हेठळ गुजरात में मगफळी, मग, अड़द और सोयाबीन पाकों की टेकाना भावे आगामी तारीख 21 ऑक्टोबर की खरीदी शुरू करवामां आवशे। बनासकांठा जिला वड़गाम फतेहगढ़ गा हिंदू मुस्लिम एकता सेवा कैम्प खुल्लो मुकायो। हिंदू मुस्लिम एकता जलवाई रहे ते हेतु थी आ पहल कराई छे। अंबाजी जता पदयात्रीओ माटे चा पाणी अने नास्ता नी व्यवस्था पूरी पाडवामां आवी। मुस्लिम अने हिंदू आगेवानोना हस्ते आ कैम्पने खुल्लो मुकायो। अंबाजी खाते भादरवी पूनमना मेळानी शुभ शुरुआत थई गई छे, जे जोता हवे अमदावाद थी निकळेला अने गुजारिया थी अंबाजी सुधी पगपाड़ा जता संघों पदयात्रीओ माटे खास विशेष सुविधाओं हवे जुदा जुदा केम्पो थकी मळी रहे छे। त्यारे महेसाणाना गुजारिया गामे पण पूनमना पदयात्रीओ माटे खास केम्पनी सुविधा उभी करवामां आवी छे। अंबाजी जता पदयात्रीओनी यात्रा निर्विघ्न पूर्ण थाय ते माटे अनेक सेवाभावी लोकोए हिम्मतनगर थी मोटा अंबाजी सुधी विसामा बनाव्या छे, जेमा हिम्मतनगर ना भक्तापुर हनुमानजी मंदिर पासे पूर्व कोर्पोरेटर द्वारा छेला 20 वर्षथी विसामो करवामां आवे छे। अहीं आवता भक्तोने होटलनी जेम भरपेट जमवानुं पीरसवामां आवे छे। राजकोट, जामनगर अने मोरबीना लोको माटे राहतना समाचार आव्या छे। राजकोटनो माधापर ओवरब्रिज मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सोमवारे खुल्लो मूकशे। दररोज 50,000 करता वधारे वाहनों अहींथी पसार थाय छे, त्यारे समग्र सौराष्ट्रवासीओने सौथी जूनी ट्राफिकनी समस्यामांथी राहत मळशे। देशभरमां गणेश उत्सवनी धामधूमथी उजवणी करवामां आवी रही छे, त्यारे अनेक जग्या पर गणेश पंडालोमां गणेशजीनी विविध प्रकारनी मूर्तिओ आकर्षणनुं केन्द्र बनी छे। त्यारे अमदावादना निकोल विस्तारमां आवेली एसपी जेनेसिस स्कूल खाते शिक्षकों ने विद्यार्थियों भक्ति संदेश जाए तेना माटे खास चंद्रयान 3 की थीम पर मूर्ति बनावी हती। हवामान विभाग की आगाही अनुसार डांग जिला सापुतारा सहित तड़ेटी विस्तार में धोधमार वरसाद वरस्यो छे। एक कलाक सुधी चालेला सतत वरसाद थी रोड रस्ता पर पानी फरता थया। सापुतारा स्वागत सर्कल, सर्प गंगा तड़ाव सहित वॉकवे पर वरसादी पानी भराया था। डांग जिला में सीजन नो सारो वरसाद नोंधाता खेडूतों में खुशी नो माहौल जोवा मळ्यो। तापीना ब्यारो शहर में धोधमार वरसाद वरस्यो। वालोद, डोलवण सहित तालुका में वरसादी माहौल जोवा मळ्यो, जेमा केटलाक विस्तारों में धोधमार तो केटलाक विस्तारों में वरसादी झापटा जोवा मळ्या। नवसारी में मोड़ी रात्रे मेघो धोधमार वरस्यो। नवसारी, जलालपुर अने चिखली में 2 इंच थी वधु वरसाद नोंधायो छे, तो खेरगाम अने गणदेवी में 1-1 इंच वधु वरसाद नोंधायो। भारे वरसाद ने कारण शहरना राजमार्गो पर थी वरसादी पानी वहेता थया। सूरतना मिनी बजार में रस्ता पर पड़ेला हीरा शोधवा माटे लोकोए पड़ापड़ी करी अने तेनो वीडियो सोशियल मीडिया में वायरल थयो छे।
मंदिर थी आक्रोश में आने हीरा व्यापारी हीरा फेंकी दीधा होवानी बात वायुवेगे फैलाई है और मोटी संख्या में लोग मिनी बजार पहुंची हीरा शोधवा कामगिरी करी लोग रस्ताओ साफ कर हीरा शोधवा जवा मळ्या। सूरत में अनाज माफियाओ बेफाम बन्या छे। शहरना जनतानगर में आवेल सस्ता अनाज की दुकान में गरीबोना हकनु अनाज बारोबार वेचवाना काळा कारोबारनो पर्दाफाश थयो छे। सरकारी अनाज टेम्पा में भरातु हतु अने ते दरमियान स्थानिकोए तेने झड़पी पाड्यो। अमरेली जिल्ला में धोड़ा दिवसे डालामथो सिंह लटार मारतो जोवा मळ्यो। जिल्ला में सावरकुंडला पीपावाव अंबाजी नेशनल हाईवे पर गोरख वाला नजीक दिवस दरमियान स्टेट हाईवे पर सिंह पहुंचा था। भर बपोरे सिंह की शाही सवारी निकलता बने साइड वाहनों थंभी गया। गईकाल डालामथा सिंह नो वीडियो सोशियल मीडिया में वायरल। बनासकांठा में नौकरी आपवानी लालचे ठगाई आचरवामां आवी। बनास डेरी में नौकरी आपवानी लालच आपी 5 लाख की ठगाई करवामां आवी, जेमां आरोपीओ द्वारा आणंद मिल्क फेडरेशन बोगस लेटर पेड बनावी खेड़ा सहित खोटा सही सिक्का करी रजूआत करी। મહીસાગર એસઓજી પોલીસે યાત્રાળુનો વેશ ધારણ કરીને આરોપીને ઝડપી પાડ્યા। ચલણી નોટોના કેસમાં છેલ્લા 1 વર્ષથી નાસ્તા ફરસતા આરોપીને અંબાજી પગપાળા સંઘમાં જઈ રહ્યો હોવાની એસઓજીને બાતમી મળી હતી। બાતમીના આધારે પોલીસે 5 કિલોમીટર ચાલીને સાબરકાંઠા ખેડ બ્રહ્માથી આરોપીને ઝડપી પાડ્યો। हाल समग्र राज्य में सरकार द्वारा लावामां आवेल ज्ञान सहाय प्रोजेक्ट नो विरोध चाली रह्यो छे। त्यारे सुरेन्द्रनगर में टेट अने टाट पास करेला विद्यार्थीओए गणपतिना चरण में अरजी मूकीने प्रोजेक्ट नो विरोध कर्यो। राजकोट दूध उत्पादक संघ पास थी इन्कमटेक्स विभागे दंडनी सामे ट्रिब्यूनल में अपील करी छे, जेमां राजकोट डेरी पास से 173 करोड़ रूपया वसूल करवा माटे कार्यवाही की अपील कराई छे। महत्वनुं छे कि नोटबंदी समय राजकोट डेरीए एक ज दिवस में दूध वितरकों पास थी 2 लाखथी वधु रूपयानी रोकड़ लेती देती करी हती। भारतीय रेलवे तरफ से देश ने आज वधु 9 सेमी हाईस्पीड वंदे भारत ट्रेन की भेट मिली है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फरेंसिंग माध्यम से 9 वंदे भारत ट्रेन ने फ्लेग ऑफ कराव्यू। आ 9 वंदे भारत ट्रेन है, जेमां जामनगर अमदावाद उदयपुर जयपुर पटना हावड़ा रांची हावड़ा और कासरगोड तिरुवनंतपुरम समावेश थाय छे। वडाप्रधान मोदी मन की बात कार्यक्रम में 105मा एपिसोड में संबोधन दरमियान चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग G20 समिट नु सफल आयोजन और मिडल ईस्ट कॉरिडोर विषे बात करी। G20 समिट बाद मन की बात नो प्रथम कार्यक्रम हतो। पीएम मोदी कहू कि दिल्ली में G20 समिट दरमियान ते दृश्य कोण भूली सके, ज्यारे घणा देशों नेताओ और महानुभावो महात्मा गांधी ने श्रद्धांजलि आपवा माटे राजघाट पर भेगा थया हता। कैनेडाए खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मुद्दे भारत पर केटला गंभीर आरोप लगवाया है कि त्यारथी बंने देशों संबंधों वणस्या छे। आवी स्थिति में राष्ट्रीय तपास एजेंसी एनआईए खालिस्तानी समर्थक विरुद्ध कार्यवाही हाथ धरी है। एनआईए 19 बागेड़ू खालिस्तानी समर्थकों की सूची जाहिर करी है। आ याद में 19 कथित खालिस्तानी समर्थक नाम सामेल है। वर्ष 2024 लोकसभा चूंटणी पहला जेडीएस पार्टीए भाजप साथ गठबंधन करता पार्टी ना बे मुस्लिम नेताओं पक्ष में राजीनामु आप्यु छे। जेडीएस ना नेता सैयद शफीउल्लाह साहेब और प्रवक्ता फरजाना अशरफे पक्ष में राजीनामु आप्यु छे। शफीउल्लाहे कह्युं छे कि तेमणे जेडीएस छोड़वानो निर्णय एटला माटे कर्यो केम के तेमनी पार्टीए भाजप साथ हाथ मिलाव्यो छे। देशना घणा प्रदेश में हजू पण वरसादी माहौल छे। हवामान विभागना जणाव्या अनुसार देश में मोटा भागना राज्य में 30 सप्टेम्बर सुधी वरसाद थवानी संभावना छे। अनेक विस्तार में वीजळी पड़वानी पण शक्यता व्यक्त करवामां आवी छे। हवामान विभागे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड यूपी बिहार सहित अन्य राज्य में पण वरसादनी संभावना व्यक्त करी छे। न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट में विदेशी मंत्री एस जयशंकर कहूं कि G20 भारत प्रमुख पदना समयगाड़ा में अनेक पड़कारों सामनो कर्यो। कारण आपता कहूं कि पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण और उत्तर दक्षिण विभाजन ने कारण बन्यू। वधुमां कहूं कि G20 एक पड़कारजनक समिट थी, खरेखर एक पड़कारजनक प्रमुख पद हतुं।
संबोधन में भूतान विदेश मंत्री तांडी दोर्जी न्यूयॉर्क में भारत यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट इवेंट में संबोधन दरमियान दिल्ली में आयोजित जी ट्वेंटी समिट की सफलता बदल भारत ने अभिनंदन आप्या। तेमणे जी ट्वेंटी समिट में संयुक्त घोषणा पत्र पर सर्वसंमति हासिल करवा अने भारत मध्य पूर्व यूरोप कोरिडोर शुरू करवा माटे वडाप्रधान मोदी और विदेश प्रधान की प्रशंसा पण करी। दिल्ली में योजना कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जणाव्यु कि वर्तमान समय की स्थिति प्रमाण तेलंगाणा मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जीत थे जयरे राजस्थान में अमारी पार्टी की जीत नक्की है। अमने लगे कि राजस्थान में जीत मेड़ीशू। कर्नाटक विधानसभा की चूंटी में अमने महत्वपूर्ण पाठ शीखवा मब्या। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव वन नेशन वन इलेक्शन जेवा मुद्दा पर बात करता जणाव्यु कि जो यूपी में आवे तो अपना समाजवादियों से वधारे कौन खुश थशे। लोकसभा की चूंटणी साथ यूपी में पण आगामी छ महीना के एक वर्षना समयगाळा में चूंटणी थवी जोईए। तेमणे कह्युं के लोको पण लोकसभा चूंटणीनी राह जोई रह्या छे। मणिपुरनी स्थितिमां सुधार थता तकेदारीना भागरूपे इंटरनेट पर मुकवामां आवेल प्रतिबंधने राज्य सरकारे हटावी दीधो छे। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंहे कह्युं के हिंसा संबंधित अफवाओने रोकवा माटे राज्यमां इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध हतो। તેમણે એમ પણ કહ્યું કે રાજ્યમાં અફીણની ખેતી કરનાર સામે કાર્યવાહી યથાવત રહેશે। કર્ણાટક કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય બસવરાજ રાય રેડ્ડીએ જણાવ્યું કે પ્રદેશમાં ઓછામાં ઓછા છ ઉપમુખ્યમંત્રી હોવા જોઈએ। ધારાસભ્યે દાવો કર્યો છે કે લોકસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રદેશમાં કુલ છ ડેપ્યુટી સીએમ બનાવવામાં આવે તેવી અટકળો છે। કર્ણાટક સરકારના સહકાર મંત્રી રાજન નાયે આ મુદ્દા પર સૌથી પહેલા ટિપ્પણી કરી હતી। तमिलनाडु माटे कावेरी नदी में पानी छोड़वाना विरोध में कर्नाटकना विविध भागों में विरोध प्रदर्शन चाली रह्यु छे। कर्नाटकना घणा संगठनों करेला बंदना आह्वान बाद मांडिया में घणा खेडूतो रस्ता पर उतरी आव्या हता अने विरोध नोंधाव्यो हतो। आ खेडूतोए पोताना खेतर में पाकने पकड़ीने धरणा पर बैठा। कावेरी जल वहेंचणी विवाद पर प्रतिक्रिया आपता कर्नाटकना उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमारे जणाव्युं कि आ मुद्दे राजनीति करवामां आवी रही छे। अमारी सरकार कर्नाटकना खेडूतोना हितोनुं रक्षण करशे। अमे संबंधित सत्ताधीश समक्ष आ मुद्दे अपील अरजी दाखल करीशुं। कोईपण व्यक्तिए कायदो हाथमां लेवानी जरूर नथी। हुं लोकोने कोईपण प्रकारनुं बंद न पाडवानी सलाह आपुं छुं। कर्नाटकना पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामीए जणाव्युं कि प्रदेश में जलाशय में पानी सतत घटी रह्युं छे। खेतर में पाक में जाळवणी माटे बे वार पानी छोड़वू पड़े छे। राज्य में वरसादनी अछत ने कारण खेडूतोने पीवानुं पानी ने लईने कृषि संबंधित कार्यो माटे अनेक समस्याओ उभी थाय छे। कावेरी जल नियमन कमिटी पहला ज दिवसे विवाद उकेलवामां निष्फळ साबित थई छे। કોંગ્રેસના નેતા જયરામ રમેશે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર કહ્યું છે કે જે નવી સંસદ ભવનનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું છે તેમાં અનેક ખામીઓ છે અને સંસદ ભવનમાં વડાપ્રધાનના ઉદ્દેશ્યને સ્પષ્ટ દર્શાવે છે તેને મોદી મલ્ટીપ્લેક્સ કહેવું જોઈએ। कांग्रेस नेता और सांसद जयराम रमेशे नवी संसद भवन अंगे सोशियल मीडिया पर लांबी पोस्ट लखी थी त्यारे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डाए ते पोस्ट पर वर्तो प्रहार कर्यो। जेपी नड्डाए लख्यु छे कि आ कांग्रेस पार्टीनी नानी विचारसरणी छे। तेओ 140 करोड़ भारतीयोनी आकांक्षाओनुं अपमान सिवाय बीजुं कंई कर्युं नथी। जयपुरमां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गेए जणाव्युं हतुं के केन्द्र सरकारे नवे संसद भवनना उद्घाटन कार्यक्रममां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूने आमंत्रण आप्युं नहोतुं। सरकारे सिनेमा साथे संकळायेला लोकोने नवी संसद भवनमां बोलाव्या परंतु राष्ट्रपतिने निमंत्रण पाठव्युं नहोतुं।